हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले कहीं भी, सेवन पे कमीशन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ पिछले लास्ट 1 ईयर से आ चुकी हैं। उनमें एक न्यूज़ और आई, स्पेशली जो जी न्यूज़ की न्यूज़ होती है, हम उस पर कभी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऐसे कई सारी चीज़ें करने के लिए बोलती है कि कभी ये सैलरी बढ़ गई, कभी वहाँ पर, कभी 15 अगस्त को बढ़ा सकती है, कभी 26 जनवरी को बढ़ा सकती है। ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं। तो मैं आपको एक न्यूज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें ऐसे ही कुछ आया हुआ है कि केंद्र कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है केंद्र सरकार जो भी आपकी। और तो ऐसी न्यूज़ में मैं आपको बता देता हूँ और उसका पूरा आपको बताऊंगा क्या ये न्यूज़ बिल्कुल सही है या क्या है इस न्यूज़ की पूरी अंदर की खबर। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको रेड बटन को दबाकर साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आपको पहले न्यूज़ पढ़ा देते हैं, फिर मैं बताऊंगा इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और हम इस न्यूज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते। ये न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ की न्यूज़ है, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा क्या है इसकी सच्चाई। सातवां वेतन आयोग, केंद्र कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है सरकार, जाने कितना इजाफा होगा। देख लेते हैं कितना इजाफा कर रहे हैं जी न्यूज़ वाले। और कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं, इसलिए सरकार समाधान निकालने की तैयारी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जी न्यूज़। नई दिल्ली, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार सबको है। मीडिया रिपोर्ट्स में केंद्र कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी का फायदा नए साल में देने की बात कही जा रही है। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना चाहता हूँ कि यही जी न्यूज़ है जिसने कहा था कि 15 अगस्त पे गवर्नमेंट आप कैसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए घोषणा कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आगे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। लेकिन कितना इजाफा होगा इस पर कोई स्थिति साफ नहीं है। उधर कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। सरकार भी अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए कोई समाधान निकालने की तैयारी कर रही है। अगर और ये पहले कर रहे थे कि ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, 15 अगस्त को घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे पढ़ लेते हैं। हमारी सहयोगी वेबसाइट gbich.com के मुताबिक सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ा सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करेगी। अब इनको ये पता नहीं कौन सा वरिष्ठ अधिकारी इनको दावा कर देता है, कौन से इनके सोर्स हैं जो दावा कर देते कि सैलरी इनकी बढ़ रही है। इससे पहले ही 15 अगस्त पे भी इनके सोर्स जो थे, जो वरिष्ठ अधिकारी थे, दावा कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे देख लेते हैं। इससे केंद्र कर्मचारियों की बेसिक पे 3,000 रुपये तक बढ़ सकती है। प्लेयरों ने बोला था 18 से 26 आएगी, लेकिन अभी 18 से 21 बता रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़कर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि केंद्र कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए, यानी कि 26,000 कर दिया जाए। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करती है तो कर्मचारियों की बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 21,000 हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही वेतन आयोग ने केंद्र कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। हालांकि कर्मचारी इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये की करने की मांग कर रहे हैं। अब वो आगे ने उन्हें बताया, डेट भी बता दी है कि अब 26 जनवरी को ऐलान संभव है। जैसे पहले ये लोग बता रहे थे कि 15 अगस्त को ऐलान संभव है, बट ऐसा आपको पता है मोदी जी ने ऐसा कोई भी अनाउंस नहीं किया। और मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग न्यूज़ लाते कहाँ से हैं। केंद्र सरकार वेतन बढ़ोतरी की घोषणा कब करेगी इससे लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी, अब सूत्र कौन है इनके ये क्लियर नहीं होता। वेतन बढ़ोतरी की घोषणा नए साल में होगी। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र कर्मचारियों के बड़े ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी का फायदा जनवरी 2019 से मिलेगा। दरअसल आम चुनाव से पहले यह ठीक वक्त है जब केंद्र कर्मचारियों के लिए ऐलान किया जा सकता है। बजट बिगाड़ सकता है मूड। वित्त मंत्रालय के इनके जो सूत्र हैं वो माने तो वित्तीय घाटा को स्थिर रखने और आगामी चुनाव को देखते हुए बजट की कुछ घोषणाएं होने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त तोहफा देकर सरकार बजट बढ़ाने के मूड में नहीं है। पहली बार ये डिप्लोमेसी खेल रहे हैं जी न्यूज़ वाले। आपको मैं आगे बताऊंगा क्यों। केंद्र सरकार पूर्ण बजट में भी ध्यान रखेगी, इसलिए सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जिसका असर उनके खजाने में पड़े, ज़्यादा बोनस या सैलरी देने के सरकार को वित्तीय बोझ का उठाना पड़े, एरियर का फायदा नहीं, और 2016 में हुई थी बढ़ोतरी, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने लिख दिया है कि सरकार 26 जनवरी को ऐलान कर सकती है, और दूसरा इन्होंने बात कर दी है अदर हैंड में कि सरकार ऐसा बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं है। आगे मैं यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कुछ भी कि जी न्यूज़ वाले बिल्कुल भी अपने मतलब इन्होंने ले दिया कि सरकार अतिरिक्त तोहफा देकर बढ़ाने के मूड में नहीं है, और ऊपर इन्होंने लिख दिया है कि सरकार 26 जनवरी को इनके जो इनके सूत्र है उनसे पता चला है कि बजट बढ़ाने के मूड में है। तो जी न्यूज़ की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। आपको कहीं भी ऐसी न्यूज़ मिलती है तो जब तक आपकी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंक्रीमेंट देखने को ना मिल जाए तब तक आप विश्वास मत करिए ऐसी किसी भी र्यूमर्स पर, ऐसी किसी भी जी न्यूज़ पर, और किसी भी इंडिया.in या बहुत एक 10 टाइम्स है, 9 टाइम्स करके न्यूज़ है, ये सारी न्यूज़ फेक
होती हैं, कोई किसी से कोई सूत्र नहीं होते हैं, ये सब अपने से बना के चीज़ें बता देते हैं। इसलिए आप इस न्यूज़ पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए जो 26 जनवरी वाली न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये न्यूज़ क्या है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करके बताइए कि न्यूज़ में कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। ये जो भी न्यूज़ है सिर्फ जियो न्यूज़ की ही न्यूज़ है, हम उसको सिर्फ डिलीवर कर रहे हैं आप तक और बता रहे हैं क्या है इसका न्यूज़ का फैक्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।